winning the 2011 World Cup and 2013 Champions Trophy, India have been going through the knockout stages in ICC tournaments, but still not crossing the final hurdles, be it 2014 and 16 T20 World Cup, 2015 50 over World Cup, and 2017 Champions Trophy. So are we the new chokers in cricket world? I don't think so. I think it's important to be consistent. You won in 2011, you won Champions Trophy in 2014, if I'm not mistaken, in England. I think it's about being consistent. You can't win trophies so regularly as well. I think there are other sides as well and who are playing very good cricket, whether it's England, whether it's Australia in one-day format, so other countries. I think India is probably the most consistent side in ICC tournaments. We played the last Champions Trophy final as well, where we got beaten by Pakistan. So I think when you go into this tournament, your first aim or your first ambition is to get into the knockout stage, and anything can happen once you qualify for the knockouts, because it's just on that given day as well. So you don't say that India has become chokers. I think it's about being consistent, and hopefully they can cross the line. I think there's nothing which stops them from crossing the line, and we should be happy that they've played some very good cricket in all the ICC tournaments till now. Second question is one ball per over. आप खेलते हैं ग्राउंड पे जाते हैं तो आप किसी चीज के बारे में नहीं सोचते वहां पे आप वहां पे एक पर्पस के लिए जा रहे हैं और आप परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं और आप जीतने के लिए जा रहे हैं तो जो पिछला वक्त गुजरा है आप उसके बारे में नहीं सोचते आने वाले वक्त के बारे में नहीं सोचते आप वहां पे मौजूद हैं और आप उस वक्त वहां परफॉर्म करना चाहते हैं ये माइंडसेट लेके मैं खेला करता था बिकॉज़ बट हर खिलाड़ी खेलने का सोचने का तरीका अलग रहता है बट मेरे ख्याल से एंड ऑफ द डे वो एक ही बात आ जाती है कि आपको परफॉर्म करना है और आपकी टीम जीतनी चाहिए और ये देश का जो सवाल आता है मेरे ख्याल से बाद में आता है परफॉर्मेंस के बाद आई डोंट थिंक आप उस टोकर सोचते हैं इसके बारे में आप खाली बॉल के बारे में सोच रहे हैं अगर आप बैट्समैन हैं तो आप कैसे उसको फेस कर रहे हैं अगर बॉलर हैं तो आप कैसे बेस्ट परफॉर्म वहाँ पर कर सकते हैं गौतम आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर एक दो गेम खराब हो जाती है किसी क्रिकेटर की तो वो खेलना चाहता है 10-20 साल और इतना उसके में आप सिर्फ वही चीज कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके हाथ में होती है अब वो चीज कंट्रोल नहीं कर सकते जो आपके हाथ में नहीं है ड्रॉप होना अगले 10 साल देश के लिए खेलना आपके हाथ में नहीं है आपके हाथ में सिर्फ जो आप अगली डिलीवरी या अगला जो मैच खेल रहे हो उसमें किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो अगर आप पहले दिन से ये सोच रहे हो कि मैंने 10 साल इंडिया के लिए खेलना है तो वो पॉसिबल वो एक जर्नी है वो ये नहीं है कि आज आपने सोचा और आप 10 साल खेल ली आपके हाथ में सिर्फ वही चीज है कि आप अगर बैट्समैन हो आप अगली बॉल को किस तरीके से डील कर सकते हो अगर आप बॉलर हो तो आप किस तरीके से अगली बॉल अपनी बेस्ट एबिलिटी के थ्रू डाल सकते हो अगर आपने पहले रन बनाए या नहीं रन बनाए उससे कोई मैटर ही नहीं करता बिकॉज अल्टीमेटली प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है अगर आपने रन बनाए भी हैं तब भी आप अपनी इनिंग जीरो से ही स्टार्ट करते हैं ऐसा नहीं है कि अगर आपने 300 पहले बनाए तो आप 100 रन से स्टार्ट करते हैं तो अगर आपने नहीं रन बनाए तब भी आप जीरो से करते हैं अगर आपने रन बनाए तब भी आप जीरो से करते हैं तो उसमें तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं है तो अल्टीमेटली सिर्फ आप बॉल देखिए और वही चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करिए जो आपके हाथ में सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है 10 साल खेलना आपके हाथ में नहीं है सिर्फ जिस मैच में आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें अच्छा करना आपके हाथ में क्या मोदी सरकार में हम देख पाएंगे देखिए जहाँ से आपने सुना है ये बात वहीं से मैंने सुनी है बिकॉज मैंने और कहीं से नहीं सुनी और ऐसा कुछ भी नहीं है बिकॉज जितने रूमर्स आपने सुने उतने रूमर्स मैं भी सुन रहा हूँ अभी तो दो दिन हुए हैं लिटरली मेरे को रिटायर हुए अभी मैंने घर पे टाइम भी नहीं ज़्यादा स्पेंड किया तो होपफुली मैं घर में बैठ के सोचूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ आगे जाके